कोरोना काल में जिले में रक्त की कमी को देखते हुए कुछ युवाओं ने अपने स्वर्गीय मित्र के जन्मदिन की यादों को संजोए रखने के लिए उसके 26वें जन्मदिवस पर 26 यूनिट रक्तदान कर अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है। युवाओं का हौसला अफजाई करते हुए कुछ अन्य नागरिकों ने भी आगे आकर रक्तदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। स्थानीय सुभाष चौक निवासी कृषि उपज मंडी अध्यक्ष नरेंद्र सिंह रघुवंशी के पुत्र स्वर्गीय विशाल रघुवंशी अपने सरल मिलनसार व्यवहार और व्यक्तित्व के कारण अपनी मित्र मंडली में काफ़ी लोकप्रिय थे। हृदयघात के कारण उनका कुछ वर्ष पूर्व अल्पायु में ही निधन हो गया था। रविवार को नेहरू चौक स्थित अनाज और तिलहन व्यापारी संघ के पूर्व अध्यक्ष शिवचरण सिंह सेबू के निवास स्थान पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां स्वर्गीय पिंटू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में विदिशा ब्लड बैंक से आई वातानुकूलित वीटी वैन के माध्यम से 26 युवाओं ने रक्तदान किया, जिसमें महिलाओं और छात्राएँ भी शामिल थी। रक्तदान के लिए जिले में ब्लड बैंक में वैन उपलब्ध है, जहां सुरक्षित और आरामदायक तरीके से दो लोग रक्तदान कर सकते हैं। रक्तदान के लिए 10 से अधिक लोग यदि ग्रुप बनाकर रक्तदान के लिए ब्लड बैंक विदिशा संपर्क करते हैं तो ग्रुप द्वारा तय किया जाता है कि स्थान पर वैन पहुंचाई जाएगी। गंजे बासुदा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। रक्तदान में कई तरह की भ्रांति आ रही है, लोगों को किस तरह इस भ्रांतियों से दूर रहकर रक्तदान करना चाहिए इस कोरोना काल में? इस कोरोना काल में जैसे अगर आप पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, आपको बुखार वगैरह नहीं आ रहा है और वैक्सीन अगर आपको नहीं लगी है तो आप डोनेट कर सकते हैं, और अगर आपको वैक्सीनेशन हो गया है तो वैक्सीन लगने के 14 दिन बाद, चाहे वो पहला डोज हो चाहे दूसरा डोज, आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और इसके लिए हमारी पूरी टीम हमेशा तत्पर रहती है, और आपको कहीं ऐसी भीड़ भाड़ भी नहीं। हमारे पास जो वीटी वैन उपलब्ध है अभी गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें फुल्ली एसी गाड़ी है और ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं रहती। उसमें दो पाउच लगे हुए हैं जिसमें आप आके आराम से रक्तदान कर सकते हैं। और इस समय ये समय ऐसा बहुत कठिन समय चल रहा है कि जहाँ सभी जगह खून की बहुत दिक्कत आ रही है, तो मेरा सभी से अनुरोध है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग ब्लड डोनेट के लिए आगे बढ़ें, और जो वैक्सीन करवाने जा रहे हैं वो वैक्सीन कराने से पहले एक अपना ग्रुप बना लें और ब्लड डोनेट करें। जो डोनेट करना चाहते हैं वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं विदिशा ब्लड बैंक में, तो हमारी गाड़ी वहाँ पर आ जाएगी, आप अपना अमूल्य ब्लड दे सकते हैं। कोरोना पीड़ित मरीज कब तक ब्लड डोनेट नहीं कर सकता? अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ होने के एक महीने बाद वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं, अगर उन्हें प्लाज्मा थेरेपी नहीं हुई है। विदिशा जिले में रक्तदान की आवश्यकता कितनी रहती है और क्या डिमांड रहती है रक्तदान की? एक अनुमानित कम से कम 20 से 25 यूनिट ब्लड पर डे अपने विदिशा ब्लड बैंक से जाता है, क्योंकि पूरे विदिशा में सिर्फ एकमात्र अपना ही जो ब्लड बैंक है जिला अस्पताल में, वही पूरे अपने जिले में सप्लाई करता है, तो इस कारण से थोड़ा सा वहाँ ब्लड की जरूरत ज़्यादा रहती है। तो अभी ब्लड की क्राइसिस आ रही है क्या सामने अभी? हाँ, इस समय बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोगों में भ्रांति है कि कहीं हम खून देंगे तो कहीं कमज़ोर ना हो जाएं, कहीं हम वहाँ ब्लड डोनेट करने गए तो कहीं हम इन्फेक्ट ना हो जाएं, और हमने वैक्सीन लगा लिए तो अब 3 महीने तक हमको नहीं देंगे। ऐसी कई भ्रांतियाँ अभी लोगों में फैली हुई है, तो मैं ये आपके माध्यम से यही मैसेज देना चाहता हूँ कि लोग इस तरह की भ्रांतियों पर ना करें। अगर किसी को भी अगर किसी प्रकार की कोई शंका हो तो वो निसंकोच मेरे को फोन करके मेरे से बात कर सकते हैं। इस वैन को बुलाने के लिए कितने लोगों का ग्रुप होना चाहिए? कम से कम इस समय कोरोना काल है तो हम छोटे छोटे ही कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो अगर 10 लोग भी अगर कैंप के लिए तैयार हैं तो हम गाड़ी आ जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।